तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2022 के एग्जामिनेशन को कैसे आपको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, जिसके चलते आप कॉन्फिडेंटली टारगेट लेके 80 आउट ऑफ 80 का मैदान पे उतर भी सकते हैं और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले पॉइंट को, टाइम मैनेजमेंट। और यहां पे मैं जितने भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा वो रीजंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, तो एंड तक जरूर से बनाए रहे ताकि आपको इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। टाइम मैनेजमेंट इसलिए इस पेपर में जरूरी है क्योंकि और एग्जामिनेशन, चाहे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, वहां पे हर सेक्शन टाइमिंग आपको अलॉट किया जाता है। मतलब इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, क्वांट के लिए 20 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, बट इस एग्जामिनेशन में एक ही 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम आपको अलॉट किया जाएगा और इसी में आपको 40 क्वांट और 40 रीजनिंग यानी कि 80 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे और बोला जाएगा बनाओ जितना बनाना है। आप जब यहां पे बनाना चालू करोगे तो आपको प्रॉपरली इस 45 मिनट्स को मतलब डिवाइड करना है जिससे कि आपके आउटपुट मैक्सिमम निकल के आए। तो मैं आपको एक आइडियल टाइम मैनेजमेंट स्किल कहूंगा कि आपको क्वांट को देना है 25 मिनट्स और रीजनिंग को देना है 20 मिनट्स। सर ऐसा क्यों, आपने कहा था कि सब कुछ रीजन के साथ दोगे, मैंने कहा तुम इंतजार करोगे तो रीजन सब कुछ दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप खुद से पूछिएगा, अगर दोनों क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे अगर उनका लेवल पूरा हूबहू सेम है, मतलब दोनों इजी है, नहीं तो दोनों मॉडरेट है, नहीं तो दोनों डिफिकल्ट है, दोनों का लेवल हूबहू कॉपी पेस्ट है, तो आप खुद से पूछो कि कौन सा सेक्शन कम टाइम लेगा और कौन सा सेक्शन ज्यादा टाइम लेगा सॉल्व होने के लिए। तो आप कहोगे सर रीजनिंग तो मैं जल्दी बना देता हूं तो रीजनिंग कम टाइम लेगा, क्वांट ज्यादा टाइम लेगा, हां या ना? अगर दोनों के लेवल बराबर में रीजनिंग कम टाइम लेगा और क्वांट ज्यादा टाइम लेगा, और अगर मैं अपने 6 साल के तजुर्बे के साथ ये गारंटी आपको बोलूं कि क्वांट का पेपर का लेवल जो है वो कंपैरिजन टू रीजनिंग डेफिनेटली ऊपर रहने वाला है, तो आप मना करोगे तो पेपर जाके देख लेना। गारंटी मैं आपको कह रहा हूं कि क्वांट का लेवल हमेशा अबिट इतना सा क्यों ना हो वो रीजनिंग से अपर साइड में रहता ही रहता है। तो अगर दोनों अगर सेम लेवल पे होते फिर भी क्वांट ज्यादा टाइम मांगता और अगर अपने क्वांट के लेवल को अप कर दिया रीजनिंग से तो ये और ज्यादा टाइम मांगेगा। और ज्यादा टाइम के बाद यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 45 मिनट्स का 25 मिनट्स टाइम क्वांट को और 20 मिनट्स के टाइम रीजनिंग को देना ही आइडियल होगा। बट ये नहीं कि 25 मिनट्स आप पहले स्टार्टिंग से क्वांट को दे दिए और फिर 20 मिनट्स रीजनिंग, नहीं, मैं इसको भी प्रॉपरली आपको मैनेज करना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि कौन से सेक्शन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, इसमें कोई शक की डाउट मत रखना, प्लीज रिक्वेस्ट है। जो सेक्शन आपका स्ट्रेंथ है इन दोनों सब्जेक्ट्स में आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ स्टूडेंट जिनका क्वांट रीजनिंग से बेहतर है वो क्वांट पहले अटेंड करना, जिनका रीजनिंग क्वांट से बेटर है वो रीजनिंग पहले अटेंड करना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर करेगा। अगर आप मुझसे पूछते तो ऑब्वियस बात है मैं पहले क्वांट अटेम्प्ट करता और फिर मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता क्योंकि मेरा क्वांट स्ट्रेंथ है, आपको ये पता है। अब नेक्स्ट चीज आया कि सर आपने बोला था कि ऐसा नहीं करना 25-20, तो आप कैसे करते? मैं आपसे कहूंगा कि 20 मिनट्स में पहले क्वांट को दूंगा। सर 25 था, मैंने कहा तो सुन तो लो, फिर रीजनिंग को 20 मिनट्स दूंगा। ओके सर ठीक है। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे मेरे 5 मिनट्स बफर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम रहेंगे जो कि मैं लास्ट में जाऊंगा। ओके सर ठीक है। ये 5 मिनट का समय आपके प्रेशर को रिलीज करेगा। कैसे? आप 20 मिनट्स क्वांट कर दिए, जितने भी अटेम्प्ट्स हैं आप अपने दिमाग को एक फेक चीज कर देना, क्या कि और लास्ट में जब 5 मिनट मेरे पास बचे होंगे ना मैं क्वांट के और 2-3 कर दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो फेक कॉन्फिडेंस है वो आपको रीजनिंग सेक्शन में एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए देगा। लेकिन अगर आपने पूरा 25 मिनट का टाइम यूटिलाइज कर लिया होगा तो आपके दिमाग को पता है और क्वांट को वापस नहीं आ सकता, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वांट में कम रह गए, ये जो हिचिच है ना वो आपके एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा। तो ये 5 मिनट्स पहले बफर टाइम ने आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया। दूसरा चीज, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा होगा, हां या ना? आपको लगता है कि आपका दिमाग इतना उल्लू है कि आप जब मार्क फॉर रिव्यू करके रखोगे और 25 मिनट के क्वांट के सेक्शन को करोगे तो आपका मन करेगा मार्क फॉर रिव्यू को जाने के लिए? नहीं, आपका मन ये करेगा नहीं यार 25 मिनट लगभग इसको मैं कर देता हूं कंप्लीट, पेपर देखा नहीं, मैं पेपर देख लेता हूं, रीजनिंग को घूमने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें मार्क फॉर रिव्यू जाऊंगा। बेकार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रीजनिंग को तो आपने 20 मिनट दिया है तो रीजनिंग टाइम तो अपना मांगेगा ही, वो तो सॉल्व होके चला जाएगा और मार्क फॉर रिव्यू वैसा ही रह जाएगा। तो जब आपने ये बफर टाइम 5 मिनट्स का रखा होगा तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो? हाँ, जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन, जैसे कि मैं कहूंगा क्या आप मार्क फॉर रिव्यू करके रख सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसको आप लास्ट के 5 मिनट में जाके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़ा सकते हो। तीसरा चीज, हो सकता है ऐसा होगा कि आपके क्वांट और रीजनिंग दोनों में से आपके बराबर कोई मार्क फॉर रिव्यू नहीं है लेकिन आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किसी एक सेक्शन में काफी कम है,
तो लास्ट के 5 मिनट आप उस सेक्शन को डेडिकेट करो ताकि वहां पे भी एक डिसेंट स्कोर आ सके, दोनों बराबर। तीसरा, अगर आपने पूरे 20-20-40 मिनट्स यूटिलाइज करने के बाद इनमें और इनमें बराबर क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आप ये 5 मिनट किसको डेडिकेट करोगे, जो आपका स्ट्रेंथ है या फिर जिस सेक्शन में आज के पेपर में आपको सवाल इजी फील आ रहे हैं? यो तो पेपर को जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये 5 मिनट्स का बफर टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और इसको प्लीज मॉक्स में एक बार डाल के देखना, 20-20, पहले स्ट्रेंथ वाला 20, फिर वीकनेस वाला। वीकनेस तो नहीं होता, नहीं तो वीकनेस है तो यहां पे खत्म कहानी, प्री भी क्लियर नहीं होगा। दोनों के दोनों स्ट्रेंथ मांगते हैं, बस अपर स्ट्रेंथ लोअर स्ट्रेंथ, ठीक है। 20-20 के बाद 5 मिनट्स का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। अब सर आप बोल रहे थे कि प्रॉपर सीक्वेंस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन क्या होना चाहिए। सर मैंने सुना है इस क्वेश्चन में कट ऑफ 80-80 आ रहा है, तो सारे क्वेश्चंस तो करने, तो कोई सीक्वेंस का मैटर नहीं। मैंने कहा यहां फिर से गलत। सर क्यों? आप बोले हो सर फैक्ट्स के साथ बताओगे। मैंने कहा तुम सुन तो लो पहले, मैं आपको कहूंगा कि सीक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर कैसे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने पहले क्वांट के सेक्शन को अटेम्प्ट किया, ठीक है सर, और क्वांट के सेक्शन में पहले 5 क्वेश्चन अभी आपके अरिथमेटिक है, ओके सर, आपने उन 5 क्वेश्चन को बना लिया और वो भी बिना स्टक हुए, जो कि इम्पॉसिबल है बट फिर भी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ओके सर, बिना स्टक हुए मैं बना लिया। हर एक अरिथमेटिक सवाल को पढ़ के बनाने में 40-45 सेकंड तो लग ही जाएंगे। हाँ सर 40-45, जो कि आइडियल भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 40-45 सेकंड के हिसाब से जब मैंने 5 क्वेश्चन किया, तो 45 अगर मैं एवरेज लूंगा तो 225 सेकंड, यानी कि 240 अगर मैं काउंट करूं तो 4 मिनट वैसे ही जा चुके हैं। अब जब 4 मिनट आपका चला जाएगा तो वो 45 मिनट्स का काउंटर जो होता है वो 44 से स्टार्ट होगा, तो 4 मिनट जाने के बाद वो 41 मिनट से नीचे आ जाएगा, यानी कि 40 समथिंग दिखाएगा। तो आपके दिमाग में अचानक से आ जाएगा कि 5 मिनट चले गए यार 5 क्वेश्चन में, तो ऐसे तो मैं 20 क्वेश्चन कर पाऊंगा क्वांट के, मैं तो 6 और क्लियर नहीं होगा, जो कि झूठ है क्योंकि आपने सबसे लेंदी लेंदी अरिथमेटिक पार्ट को किया है, लेकिन दिमाग उस टाइम पे समझने के कंडीशन पे नहीं है। लेकिन उसी जगह अगर आपने क्वांट के चुन चुन के स्टार्टिंग में, आपको पता है स्पीड मैथ के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, मैं बता रहा हूं आपको 20 क्वेश्चन आने वाले, अगर सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन या फिर अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन आप बनाओगे, तो 10 क्वेश्चन बनने के लिए हार्डली कितना लगेगा? इतने छोटे छोटे सवाल 10-15 सेकंड, 20 सेकंड हार्डली, 20 सेकंड नहीं लगेगा, फिर भी मैं आपको इज्जत देने के लिए बता रहा हूं 20 सेकंड हार्डली, तो 200 सेकंड्स, मतलब आपके लगभग 3 मिनट में ये 10 क्वेश्चन्स बन जाएंगे। और जब ये 3 मिनट में 10 क्वेश्चन बनेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस एक पिक पे होगा, अरे यार 3 मिनट में 10 और 3 मिनट में 10 और अरे 12 मिनट में खत्म, जो कि नहीं है, बट ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आगे लेके चला जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि सर आप प्लीज पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस को चूज कीजिए। सर मैं आपको एक चीज कहूं, मैंने कहा जब मैं सिंप्लीफिकेशन को ढूंढने जाऊं, मैंने कहा तो सर एक एक नेक्स्ट क्लिक करने में टाइम चला जाएगा, मैंने कहा टाइम थोड़ा जाएगा, तो सर ये टाइम कौन कंपेंसेट करेगा? मैंने कहा आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जिंदगी में कभी भी ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए एक प्लेन स्मूथ हाईवे का रास्ता में 5 या 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं किया? That's it. आपको अपने जर्नी को स्मूथ बनाना है, बोलो हाँ या ना। आपको अपने जर्नी को स्मूथ बनाना है, ट्रैफिक में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे, दिमाग टेंशन, खिचकिच, या 4-5 किलोमीटर थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करके पेट्रोल खत्म होगा, 2-3 एक्स्ट्रा सेकंड्स लोगे, लेकिन आप स्मूथली अपने जर्नी को कर सकते हो, डेस्टिनेशन पे परफेक्ट टाइम पे गारंटेड पहुंचोगे, यहां पे कहीं पे कुछ स्टक हुए तो खत्म कहानी। तो रिस्क आपका काम है, आप क्या करना चाहते हो, हर चीज में आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो ये मैं आपको कह रहा हूं पूरे फैक्ट्स के साथ। तो मैं आपको ये सजेशन अभी देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे बात सुनना चाहते हो प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, और कौन कह रहा है तुम्हें कि पहले 10 ही सिंप्लीफिकेशन को आओ, स्पीड मैथ में क्या सिर्फ और सिर्फ आपका सिंप्लीफिकेशन आता है? नहीं, सिंप्लीफिकेशन के 10 मार्क आते हैं, क्वाड्रेटिक के 5 मार्क आते हैं, नंबर सीरीज के 5 मार्क आते हैं, जो कि ड्यूएबल होते हैं आरआरबी क्लर्क में। इनमें से जिनका पाला पड़ा पहले, आप उनके पास चले जाओ ना, जिनका पहले 5-6 क्वेश्चन 5-6 स्किप करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक तो मिल ही जाएगा, नहीं तो सीरीज तो मिल ही जाएगा, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन पूरे 40 में से यही बने रहते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं। तो आप इनमें से कोई देखो उसको पहले करो, ये नहीं कि सिंपली क्वाड्रा और फिर नंबर सीरीज, कोई भी इनमें से पहले कर लो। फिर सर क्या आना है, कहां पे आना है, फिर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि डीआई जो होता है उसको एक बार देखना कि वो ड्यूएबल रेंज में है या नहीं, इजी कैलकुलेशन है या नहीं। अगर वो ड्यूएबल रेंज में, इजी कैलकुलेशन में है, तो उसको पहले निपटा देना और फिर आप इमीडिएट चले आना अरिथमेटिक। सर ये तो आपने यह सोच के बताया कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ही सेट का है, मैंने कहा अगर जस्ट इन केस 2 केस आ गए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक जो इजी ड्यूएबल डीआई है उसको पहले पिक करना, फिर हैंड पिक्ड अरिथमेटिक, फिर नेक्स्ट डीआई एंड अरिथमेटिक। प्लीज फॉलो दिस,
बिकॉज इन आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन आपको ऐसे अरिथमेटिक मिलेंगे जो कि कम टाइम कंज्यूम करेंगे एज कंपेयर टू डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल। तो ये प्लीज ऐसा मत करना कि पूरे दो सेट के डीआई कंप्लीट करके आप अरिथमेटिक के पास आ रहे हो। पहले एक इजी ड्यूएबल डीआई जहां पे सीधा नंबर्स होंगे, डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट एवरेज, उसको कर लेना, फिर कुछ गिन चुन के अरिथमेटिक कवर अप कर लेना, आपका कोटा पूरा कॉन्फिडेंट, फिर आप डीआई दूसरा वाला जाना, फिर अरिथमेटिक, ये सीक्वेंस आप फॉलो करना। सर रीजनिंग का भी लगे हाथ बता देते, मैंने कहा रीजनिंग का पहले स्पीड रीजनिंग। सर स्पीड रीजनिंग से आपका क्या मतलब है? मैंने कहा इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनमें से कोई दिखे, ऐसा नहीं कि मैं पहले इनइक्वालिटी सिलॉग्स कोडिंग डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इनमें से कोई दिखे इसको पहले कर लेना। फिर आप चले जाना किस क्वेश्चन को, फिर आप चले जाना जो आपके मिसलेनियस पार्ट में सवाल है, जैसे कि आपके ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो, इनके पास, और फिर चले जाना डायरेक्ट आप एंडिंग में किसके पास, तो तुमने कहा पजल्स एंड अरेंजमेंट्स के पास। और वहां पे भी पहले अरेंजमेंट्स जिनमें पैरामीटर्स नहीं होंगे, यूजुअली आरआरबी क्लर्क में पैरामीटर्स नहीं आएंगे, बट स्टिल एक अगर आ गया तो आपको पहले बिना पैरामीटर्स वाला करना है, फिर आपको पैरामीटर्स वाले करने हैं। और उसमें भी सीक्वेंस मैंने आपके नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं कि प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो क्या होना चाहिए और बेहतर तरीके से। तो छोटा क्रिस्प सा वीडियो है, और डिटेल वीडियो में क्वांट और रीजनिंग का आप जा सकते हो, दो लिंक मैंने नीचे दिए हैं इंपॉर्टेंट, उसको एक बार चेकआउट कर लेना। ये सीक्वेंस होने के बाद अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, हाँ सर करो, कि प्रॉपर सीक्वेंस मैंने चुन लिया, पहले सेक्शन को अटेम्प्ट कर लिया, अब सर क्या करूं अगर मैं क्वेश्चन में अटक गया? सर ये बहुत बार होता है, सर बहुत बार, प्लीज इसका कुछ करो। मैंने कहा सिंपल सी बात, आप ये सोच रहे हो ना कि आपका ये पेपर क्लियर होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो ना, आपने तैयारी की है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। हाँ सर, अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो तुम तो स्टक होते ही गुम हो जाओगे, लेकिन अगर आप सही में डिजर्विंग हो, अगर आपने मेहनत किया है, अगर आप डिजर्व करते हो आप ये पेपर को क्लियर करने का, तो आप बस ये सोचना कि अगर मैं इतने काबिल होने के बाद ये सवाल मुझे अटका पा रहा है, तो मेरे साथ मेरे जितने काबिल भाई और बहन जो मेरे साथ इस पेपर को दे रहे हैं, वो सभी इस सवाल में 20 सेकंड 40 सेकंड अटके तो होंगे, क्योंकि मेरा लेवल भी कमती नहीं है, मैं भी इस पेपर को क्लियर करने का कैपेबिलिटी रखता हूं। तो अगर मैं स्टक हुआ हूं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स लगभग स्टक हुए होंगे इस क्वेश्चन में। तो अगर मेरे 30 से 40 सेकंड गए हैं तो सबके गए होंगे, ये माइंडसेट के साथ जाना। और अगर सबके गए हैं तो सबके लिए बचा हुआ समय ही पेपर देने के लिए, किसी के पास 45 नहीं, पेपर आपका एक मिनट अगर सबका वेस्ट हो गया तो सबके लिए 44 मिनट्स का है। यही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको बढ़ना है, और आपको स्किप करके इमीडिएट नेक्स्ट सवाल के पास जाना है। पेपर आरआरबी क्लर्क का है, हाँ सर, सवाल का आइडियल टाइम 30 सेकंड से 40 सेकंड से एक्सीड नहीं करेगा, 30 टू 40 सेकंड इसका आइडियल टाइमिंग है। कोई भी सवाल आपको 30-40 सेकंड में क्लिक नहीं किया कि आगे मुझे करना क्या, रास्ता नहीं दिखा, स्किप इट। कोई ऐसा सवाल जिसको आपने 30-40 सेकंड में डिकोड करने के बाद आपको पता चला कि ये और 30-40 सेकंड कंज्यूम कर सकता है, मार्क फॉर रिव्यू करके रखो। और कोई ऐसा सवाल जो आपका 30-40 सेकंड में बन गया तो बन गया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 30-40 सेकंड में कुछ क्लिक नहीं किया, सीधा हटाओ यार, बहुत से सवाल बाकी है और हटाओ। लेकिन 30-40 सेकंड के बाद आइडिया लग गया है, लेकिन और 30-40 सेकंड इन्वेस्ट करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एंड गेट द आंसर, उस टाइम पे उस केस को मार्क फॉर रिव्यू करके रखो, और उसको लास्ट 5 मिनट में कैसे करना है। नेक्स्ट, टारगेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देयर शुड नॉट बी एनी टारगेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बिफोर गोइंग टू द पेपर। सर मैं इतना करूंगा, सर मुझे पता 80 का कट ऑफ है, मैं 70 के मैं तो 75 करके आऊंगा, दिस इज अ कंप्लीट रॉन्ग माइंडसेट। यही माइंडसेट आपको हर बार, अरे क्या कर रहे हैं, फास्ट कर, स्पीड कर, अरे क्या कर रहे हैं, इतने अटेम्प्ट से 70 तक कैसे पहुंचेगा, अरे इतने अटेम्प्ट से टाइम, अरे टाइम खत्म हो गया, यही चीज नर्वसनेस, पैनिकनेस और यहां पे डिमोरलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा रेडी होते हैं, कि आपने प्री रिक्विजाइट जो टारगेट डिटरमाइन करके रखे हैं। तो प्लीज कोई भी टारगेट मत रखिए, अगर सही में पेपर ड्यूएबल है तो आप टारगेट से ऊपर अचीव कर लोगे, पेपर अगर ड्यूएबल नहीं है तो आप चाहते भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये कंप्लीट पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लीज इसके बारे में कभी मत सोचिए, कट ऑफ हर बार वैरी करता रहता है। और जब आप कभी भी अपने स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में रहोगे ना, एक्सेस करने के चक्कर में, तो उसी टाइम पे ही सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होते हैं। जब आप मल्टीप्लिकेशन को एक टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है कि लगा देने से जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप नहीं, टाइम बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसे कांप रहे हो वहां पे, वो एक तो कांप के ज्यादा टाइम मिलेगा, दूसरा आपका एक्यूरेसी गड़बड़ा जाएगा, सिली मिस्टेक्स होगा। तो प्लीज ये चीज कभी मत करना कि स्पीड को ज्यादा प्रायोरिटी, स्पीड को प्रायोरिटी देना है, लेकिन ओवर स्पीड आपको एक्यूरेसी को ज्यादा प्रायोरिटी देना, कि भैया मैं पेपर में जितना भी क्वेश्चन करके आऊं सटीक करके आऊं, गारंटी करके आऊं। क्योंकि अक्सर अपने लोगों का डाउट जो रहता है वो इंग्लिश सेक्शन में, मैं बता नहीं सकता कि कितने सही है कितने, लेकिन रीजनिंग में इतने इतने, लेकिन वो भी नहीं आते उनके, क्यों? क्योंकि गड़बड़,
क्लियर। तो ये चीज आपको रखना है ध्यान कि भैया जितना भी हो जाए, अटेम्प्ट्स जितने भी हो जाए, एक्यूरेसी पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्यों? क्योंकि ये पेपर अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो इसी के लेसन और इसी के प्रैक्टिस, इसी के कॉन्सेप्ट को लेके ही आपको आगे दूसरे एग्जाम्स क्लियर करने हैं। अगर आपका फाउंडेशन यहाँ पे ही गलत हो गया तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन सब कुछ गलत जाने लगेंगे। तो रियल एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी एक एक मेंटेन करते रहो, एक ना एक टाइम आपका आएगा जब आप पेपर क्लियर कर पाओगे। तो बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये था मेरे तरफ से एक प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूँ अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कोई पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेंशन जरूर से कीजिएगा, हाँ सर ये पॉइंट फैक्टिकल है, फैक्ट है, फिगर है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और दैट्स इट। और उम्मीद करता हूँ कि आज जुलाई 31st है, लास्ट डे टू अवेल दिस अनएकेडमी का 53% का सेविंग। तो प्लीज अगर आपने सोचा है परचेज करने का तो आज परचेज कर लीजिएगा, कोड लगा लीजिएगा CDLIVE, जिससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाए। इससे आप सारे एजुकेटर्स के सारे बैचेस को देख सकते हो लाइव और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए खुद को अच्छे से तैयार कर सकते हो। मेरे भी बैचेस जो चल रहे हैं, मेरे प्रोफाइल में सारे डिटेल्स हैं, एक बार विजिट कर लीजिएगा। और 4 बजे आज आपका स्पेशल क्लास है जहां पे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर फॉर RRB क्लर्क नंबर 3 करने वाले हैं, तो जरूर से जुड़िएगा। लिंक वगैरह सब कुछ मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।